हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बोट ने इंडिया में अपने नए हेडफोन्स को लॉन्च कर दिया है, जिनका नाम है बोट रॉकर्स 450 प्रो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे बोट रॉकर्स 450 और बोट रॉकर्स 450 प्रो के बीच में। देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों ही हेडफोन्स में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, इनके प्राइस में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और इनके फीचर्स में हमें कौन कौन सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, इन दोनों ही हेडफोन्स में हमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलता, फिर भी इनमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, आखिरकार इन दोनों ही हेडफोन्स का डिज़ाइन कैसा है। दोस्तों, डिज़ाइन वाइज दोनों ही हेडफोन बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन में आप लोगों को कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही हेडफोन्स आप लोगों को मैट फिनिश के साथ दिख जाएंगे और आप इनके ईयर कप्स को फोल्ड कर सकते हो, यानी कि फोल्डेबल ईयर कप्स आप लोगों को इनमें मिलने वाले हैं। सो डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर दोनों ही हेडफोन्स जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर बात की जाए साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी भी दोनों ही हेडफोन्स में बिल्कुल आप लोगों को सेम मिलती है। दोनों ही हेडफोन्स में आप लोगों को 40mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी बेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ऐसे यूज़र हो जो कि बेस वाले सॉन्ग पसंद करते हो, तो आप लोगों को ये हेडफोन ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन हेडफोन्स में कोई बेस वाला गाना सुनोगे ना, तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप लोग किसी डीजे के सामने बैठे हो, यानी कि इतनी अच्छी वॉइस इन हेडफोन्स की आप लोगों को मिलेगी। और दोस्तों, ये हेडफोन्स जो है वो गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आप लोगों को देने वाले हैं। अगर आप लोग फ्री फायर या फिर पबजी खेलते हो, तो इन हेडफोन्स को अगर आप पहन के खेलोगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो ओपी लेवल का आप लोगों को मिलेगा। सो दोस्तों, साउंड वाइज भी ये दोनों ही सेम है और साउंड क्वालिटी इन दोनों की ही काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इन दोनों ही हेडफोन्स में जो आप लोगों को मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो है बैटरी का। बोट रॉकर्स 450 प्रो में आप लोगों को 70 आवर्स की टोटल बैटरी लाइफ मिलने वाली है और इन हेडफोन्स में आप लोगों को ASAP फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने हेडफोन्स को 10 मिनट तक चार्ज करते हो, तो ये 10 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम आप लोगों को देंगे। वहीं दोस्तों, बोट रॉकर्स 450 में आप लोगों को सिर्फ 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, वहीं इनको चार्ज करने में आप लोगों को 2 घंटे का समय लगेगा। सो बैटरी के हिसाब से यहाँ पर बोट रॉकर्स 450 प्रो आगे निकल जाते हैं बोट रॉकर्स 450 से, और बैटरी का ही इन दोनों हेडफोन्स में जो है वो मेजर डिफरेंस है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कनेक्टिविटी की, तो बोट रॉकर्स 450 प्रो में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप लोगों को AUX यानी कि ऑक्स केबल पोर्ट भी देखने को मिलता है। यही आप लोगों को बोट रॉकर्स 450 में भी ऑक्स केबल पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्लूटूथ वर्जन मिलने वाला है वो 4.0 का मिलेगा। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बोट रॉकर्स 450 प्रो की थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू बोट रॉकर्स 450। सो दोस्तों, यहाँ पर रेंज की अगर हम बात करें, तो दोनों ही हेडफोन्स की जो रेंज है वो 10 मीटर की आप लोगों को मिलेगी, यानी कि 10 मीटर के एरियाज में आप लोग इनसे अपनी कॉल्स को पिक कर सकते हो, गानों को चेंज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट हाई सीरी को ऑपरेट कर सकते हो। तो 10 मीटर की रेंज आप लोगों को इन हेडफोन्स में मिलेगी। अगर दोस्तों स्मार्ट फीचर्स की हम इनके बात करें, तो इनमें आप लोगों को कॉलिंग का फीचर मिलेगा, यानी कि आप इनसे कॉल कर सकते हो, माइक्रोफोन आप लोगों को इनमें मिलेगा, आप इनसे अपने गानों की वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, अपने गानों को चेंज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट और हाई सीरी को भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये स्मार्ट फीचर्स आप लोगों को दोनों ही हेडफोन्स में बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों प्राइस की हम बात करें, तो बोट रॉकर्स 450 प्रो का जो प्राइस है वो है 1999 रुपये, जिसको आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। वहीं बोट रॉकर्स 450 का जो प्राइस है वो है 1399 रुपये, इसको भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों, दोनों ही हेडफोन्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बस बैटरी का। बोट रॉकर्स 450 प्रो की बैटरी थोड़ी सी अच्छी है एज कम्पेयर टू बोट रॉकर्स 450। तो यहाँ पर अगर आप बोट रॉकर्स 450 के साथ जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि साउंड क्वालिटी दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलेगी। कनेक्टिविटी में थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है। बोट रॉकर्स 450 प्रो में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है, तो वहीं बोट रॉकर्स 450 में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट मिलता है।
सो दोस्तों ये था दोनों ही हेडफोन्स में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट था कि बोट रॉकर्स 450 और बोट रॉकर्स 450 प्रो में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है वो क्लियर हो चुका होगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।